दोस्तों नमस्कार, हमारे कार्यक्रम पड़ताल में मैं वारिस खान आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खरगोन जिला मुख्यालय की, जहां पर विगत कई दिनों से नगर पालिका द्वारा सीवरेज लाइन और जल आवर्धन योजना का काम किया जा रहा है, जो आज भी जारी है। सीवरेज लाइन और जल आवर्धन के काम में खोदे गए गड्ढों को केवल मिट्टी से ही भरा गया, वहीं बरसात होने से इन गड्ढों की मिट्टी सड़क सहित पूरे शहर में कीचड़ के रूप में तब्दील हो गई। सड़कों पर फैले कीचड़ से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वाहन चलाने वाले भी इस कीचड़ में गिर जाते हैं। हम आपको बता दें कि यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यह कोई जहाज महल का नहीं बल्कि खरगोन शहर के सनावत रोड का है, जिसके सामने पानी इतना भर गया है कि यह हॉस्पिटल कोई टूरिस्ट पॉइंट सा नज़र आने लगा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जिला मुख्यालय की सड़कें हैं? शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग सनावत रोड, जहां जिला अस्पताल है, उस सड़क पर भी कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है। इसी कड़ी में बिस्टान रोड तिराहा, श्रीनाथ कॉलोनी, अवनी ग्राम, कमला नगर, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अंजुमन नगर के अलावा शहर के अन्य कॉलोनियों में भी हाल देखते ही बनते हैं। सर, ये कॉलोनी में बहुत कीचड़ दिख रही है, यहाँ क्या काम नहीं हुआ पार्षद द्वारा, अध्यक्ष द्वारा? यह कुछ भी नहीं हुआ, वो आप ही देख रहे हो कि ये क्या यथास्थिति क्या है। और ये कंडीशन ये है कि जब से बरसात हुई है तब से तो यहाँ मतलब गाड़ी क्या मतलब पैदल चलना दुभर हो गया है। आए दिन मतलब गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, बच्चे गिर रहे हैं, लेडीसें गिर रही है। मतलब कल तो कंडीशन ये थी भाई साहब कि यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। पानी गिरता है जब ज़्यादा समस्या पैदा, ज़्यादा समस्या है। नगर पालिका तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया? अभी तो कुछ भी कोई ध्यान नहीं है। कितने साल हो गए आपको यहाँ कॉलोनी में? भैया पिछले 2 साल हो गए। 2 साल ऐसी कैसी कंडीशन? कंडीशन यही है कि जो रोड बना था उसको भी खोद दिया। अच्छा, ये सीवेज की लाइन और वो उसके लिए सीवेज की लाइन भी है, जलावर्धन, इसका कोई कई काम भी नहीं हुआ अभी तक। क्या शुभ नाम आपका? कमलेश। वहीं शहर की एकमात्र कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां शहर की हजारों छात्राएं पढ़ने आती है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि स्कूल में छात्राओं के प्रवेश से पहले प्रतिदिन उन्हें यमराज से जीत कर ही प्रवेश मिलता है। आप समझे नहीं शायद, तो पहले देखिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ तो मात्र एक बिजली का पोल है, जिसके पास से निकलने वाली ये स्कूली छात्रा को करंट लग गया। और यहाँ तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की DP ही लगी है, जिसके पास पानी भरा रहता है। तो अब आप ही बताइए कि अब हर कोई हर बार लकी तो नहीं होगा ना, या प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? हाल ही नगर पालिका ने जल आवर्धन और सीवेज लाइन का काम चल रहा है, शहर में भी कीचड़ है, यहाँ की जो स्थिति है वो भी कैसी है, क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे तो कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि DP को पकड़ के आदमी को मजबूरी में निकलना पड़ता है, खासकर बच्चों को, लेडीज़ को, स्कूल है, बच्चे निकलते ही इधर से, कल से स्कूल आएगी, कल आपने देख लेना। अगर DP में इस समय करंट वरेंट आया तो कोई जिम्मेदार नहीं इसका, न विद्युत विभाग न नगर पालिका। शहर में भी इस समय जो सीवेज लाइन का काम चल रहा है, कीचड़ मची हुई है, कोई काम नहीं हो रहा उस बारे में कुछ? उसका तो कुछ नहीं कह सकते, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कहाँ पे गड्ढा आपको पता ही नहीं है, अगर ऊपर पानी है तो गड्ढे में आप गिर रहे हो या सड़क पे चल रहे हो, उसका कोई पता नहीं। ऐसा ही हाल बलवंत छात्रावास का भी है, जहाँ नालियाँ चौक होने से परिसर में एक तालाब की शक्ल ले ली है। वहीं नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 के पार्षद और जिला योजना समिति अध्यक्ष लक्ष्मण इंगले ने भी माना कि सीवरेज लाइन और जल आवर्धन के काम के कारण शहरवासियों को दिक्कतें तो हो रही है, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम शहरवासियों से माफ़ी भी मांगते हैं। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, उनसे माफ़ी भी चाहते हैं हम लोग। ये PC का जो सीवरेज का काम है और JMC वालों का जलावर्धन का कार्यक्रम है, इन्होंने पूरे शहर को इतना बेदर्दी से खोदा है कि आज शहर की पब्लिक परेशान हो रही है। हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता की जान माल का रक्षा भी हमें करना है। हमने इनकी शिकायत भी करी है, और आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ पर ये मेन रोड है जो बिस्टान रोड से होते हुए इंदौर, खंडवा और सनावत की ओर यह मार्ग जाता है, और यहाँ पर इतना बड़ा ढेर लगा हो, जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। यह यही कि इससे बेहतर हाल जो है कॉलोनियों के हैं। कॉलोनियों में स्थिति ऐसी आ रही है कि इनकी खुदाई के कारण, दोनों जलावर्धन और सीवरेज की खुदाई के कारण बच्चों की गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है, पब्लिक परेशान है, और हम लोग लगातार इनसे नगर पालिका से संपर्क में है कि आप जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करिए और रोडों का पूर्ण निर्माण करिए। कंपनी की कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है क्या? बेदर्दी से खोदा गया है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपनी मनमर्जी आती वहाँ खोद देते हैं। क्या शुभ नाम? लक्ष्मण इंगले, पार्षद वार्ड क्रमांक 30 खरगोन, जिला योजना समिति सदस्य खरगोन। यह है नगर के प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गौर,
जब इस संबंध में इनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का करोड़ों का काम है, इस बड़े काम में थोड़ी बहुत परेशानियां तो उठानी पड़ेगी। अरे साहब, अब आप समय रहते जाग जाते तो शायद शहर को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ये शहर में जो सीवेस का और जलावर्धन की जो दोनों तीनों कंपनियों को एक साथ काम दिया है, इनकी कुछ नियम शर्तें कुछ हैं क्या? जिस तरीके से शहर को पूरा खोद दिया है, कीचड़ हो रही है, पूरा शहर परेशान है, शहरवासी परेशान है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इन दोनों कामों के लिए जो है वो जो भोपाल से परमिशन मिली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है। सीवरेज लाइन का काम 160 करोड़ रुपए का है, बहुत लंबा काम है। और जल आवर्धन योजना का करीब करीब 116 करोड़ रुपए का काम है, ये भी बहुत बड़ा काम है। अब कुछ थोड़ा बहुत जो काम होता है बड़े कामों के अंदर, थोड़ी बहुत कठिनाई तो परेशानी तो आती है, लेकिन अभी जो परेशानी को देखते हुए हमने सभी वार्डों के अंदर जो है नगर पालिका के द्वारा मुरुम और सिलकोट वगैरह का जो है फैलाव कर रहे हैं। हमने 3-4 ठेकेदारों को उनको बता दिया गया है कि मतलब जो वार्डों के अंदर काम कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी, इतना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन नगर पालिका तो कर रही है काम, लेकिन जिस कंपनी को काम दिया गया था उसकी क्या जवाबदारी है? जिस कंपनी को काम दिया था उनकी जवाबदारी भी ये है कि जो लाइन बिछा के है उसको और जो है फिलअप वगैरह करना है, तो वो कुछ टूटी वगैरह हो गई है और कुछ ज़्यादा काम उन लोगों ने कर दिया है। इस वजह से सीवरेज का काम जो है अपना सीवर लाइन वालों का काम अधिक मात्रा में हो गया है, उस वजह से रोड स्टोरेज में फ़र्क आया है। फ़र्क हमने उतना काम नहीं किया, रोड स्टोरेज बराबर नहीं कर पाए वो लोग। दोनों कंपनियां अपने पल्ला झाड़ रही हैं, वो कह रही वो करेगा ये करिए करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सीवरेज लाइन का काम है वो सीवरेज लाइन वाले उनका रोड स्टोरेज कर रहे हैं, और जल आवर्धन योजना वाले भी जो है उनका काम बराबर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन काम अधिक मात्रा में करने की वजह से परेशानी आई है। इस वजह से नगर पालिका भी जो मुरुम का और सिलकोट का काम कर रही है। मतलब शहर में अभी शहरवासियों को 4 महीने इनको झेलना पड़ेगा बारिश? नहीं, 4 महीने नहीं, अभी तो काम बंद करवा दिया है और सिलकोट वगैरह ये डल गई है, इसके बाद में बारिश के बाद में ही काम चालू करवाएंगे। और भी जो कॉलोनी जैसे सिनाथ कॉलोनी है जी, वहाँ निकलने तक की साइकिल गाड़ी तक नहीं निकल सकती, ऐसी स्थितियाँ जी, तो वहाँ सिलकोट वगैरह डलवा रहे हैं नगर पालिका के द्वारा, काम चालू है। वहीं खरगोन CMO निशिकांत शुक्ला से जब हमारे संवाददाता अजय तिवारी ने बात की तो उन्होंने गेंद एजेंसियों के पाले में डालते हुए कहा कि एजेंसियों को नोटिस देकर उन्हें जल्दी ही पूरा काम और पेच वर्क करवाने की बात कही। सर, ये सीवर लाइन और जल आवर्धन लाइन की जो खुदाई चल रही है उसको लेकर जो सड़कों पर मिट्टी आ रही है, बारिश होने के बाद में जो दिक्कतें आ रही हैं, इसका जो पेच वर्क इनके द्वारा नहीं किया गया, इस मामले में देखिए सीवर के और जल आवर्धन दोनों योजनाओं के पाइपलाइन डालने के काम चल रहे हैं, और उनके द्वारा खुदाई करके रोड को रिस्टोर भी किया जा रहा है। तथापि कुछ स्थानों पर जैसा कि आप जानते हैं कि पाइपलाइन डालने के बाद थोड़ा सा उसको ट्रेंच भर के और उसको सेटल करने में समय लगता है, इस बीच में तेज़ बारिश होने से जो है उन स्थानों पर कुछ कीचड़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमने दोनों एजेंसियों को जो निर्देश दिए हैं कि कहाँ जहाँ भी इस तरह के कीचड़ की समस्या बनी है उसको तत्काल साफ करके और रिस्टोर करने की व्यवस्था करें। सर, इसका निराकरण पक्की नाली साइड में बना के नाला टाइप उसमें दोनों लाइन डाल सकते थे क्या? संभव है क्या ऐसा? देखिए, व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि सीवरेज की जो लाइन है वो बीच सड़क पर डलती है, और वाटर सप्लाई की जो लाइन है वो सड़क के दोनों ओर डलती है, जिसमें कि दोनों ओर से कनेक्शन होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आप एक पूरी सड़क का उपयोग होता है दोनों तरह की पाइपलाइन डालने में, इसलिए इस तरह से केनाल बनाकर जो कि आपका कहना है वो इस तरह से किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो रिस्टोरेशन के काम हो रहे हैं, रिस्टोरेशन के काम जो है वो एक एजेंसी द्वारा पूरी सड़क के रूप में किए जाए, जिससे कि जो है वो पूरी सड़क एक नहीं बन जाए। इस पूरे मामले में जब खरगोन के जिला संवाददाता अजय तिवारी ने पड़ताल की तो मामला ये सामने आया कि जल आवर्धन और सीवरेज लाइन के नाम पर शहरवासियों को पानी के भराव और कीचड़ का सामना करना पड़ा, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले में शहर के विकास की बात कहकर कन्नी काटते नजर आए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। शहर में जल आवर्धन सीवेज लाइन के नाम पर शहरवासियों को पानी के भराव व कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस मामले में कन्नी काटते नजर आ रहे हैं।
तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नई पड़ताल के साथ। जब तक आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम पड़ताल, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।